हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर राजीव नामदेव, इंचार्ज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक कॉलेज इंदौर, वेलकम्स यू ऑल फिफ्थ सेमेस्टर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑफ ओसीबीसी स्कीम इन द सब्जेक्ट 501ADD इन द टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन. इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द इंटरचेंजेबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन. लेट अस सी अ पिक्चर इमेज. यू कैन सी हियर, आप यहाँ पर दो कबूतरों को देख रहे हैं, पिजन्स को, और ये कहते हैं कि व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी. इस इमेज से समझने की कोशिश कीजिएगा. ये केप में देखिए, इंटरचेंजेबल मतलब एक दूसरे को परिवर्तित, रिप्लेस कर सकें, एक दूसरे से बदल सकें, ऐसा. तो ये दोनों पैरेट जो है एक दूसरे को सिर्फ इसलिए नहीं बदल पा रहे, पिजन इसलिए नहीं बदल पा रहे हैं कबूतर, क्योंकि इनकी केप अलग अलग है. बस तो डिसिमिलरी, इम्बैलेंस, इनइक्वलिटी, अनलाइकनेस, डिफरेंस, डिसएग्रीमेंट, अनएक्सचेंजेबिलिटी, ये इंटरचेंजेबिलिटी के अपोजिट है. तो इंटरचेंजेबिलिटी मतलब जिनको आपस में एक दूसरे से रिप्लेस किया जा सके. और दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन, यहाँ पर आप इतने सारे देख रहे हैं, आप क्या है ये, आप आसानी से समझ सकते हैं, नट हैं और सारे के सारे सिमिलर हैं, एक जैसे हैं. यानी आप इसमें से किसी को भी उठा करके यूज़ करेंगे तो बिल्कुल फिट बैठेगा. ये स्टैंडर्डाइजेशन का बड़ा बेनिफिट है. तो ये इमेज के बाद हम चलते हैं अब हमारी क्लास पर, इंटरचेंजेबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि हमारा टॉपिक है. एज यूजल कोर्स आउटकम वन, लर्निंग आउटकम वन, हम वही पढ़ रहे हैं जिसमें कि आप वेरियस डिजाइन रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान रहे हैं. एट द एंड ऑफ दिस क्लास आप सक्षम होंगे इंटरचेंजेबिलिटी, विनिमयशीलता या परिवर्तनीयता और स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण को समझने में या इसका वर्णन करने में. इन द लास्ट क्लास हमने जाना इम्पैक्ट लोड और प्रतिघात भार के बारे में, फटीग फेलुअर और श्रांति विफलता के बारे में. इस सेक्शन में हम इंटरचेंजेबिलिटी, विनिमयशीलता, परिवर्तनीयता, स्टैंडर्डाइजेशन और मानकीकरण के बारे में जानेंगे. कंटेंट में हम देखें, इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द इंटरचेंजेबिलिटी, विनिमयशीलता या परिवर्तनीयता, स्टैंडर्डाइजेशन और मानकीकरण. और क्लास को हम सौंप करेंगे समरी असाइनमेंट और सजेस्टेड रीडिंग के साथ. तो इंटरचेंजेबिलिटी, विनिमयशीलता, परिवर्तनीयता, मैंने आपको इमेज दिखाई हुई है, उसी में हम देखते हैं. इन मशीन डिजाइन इंटरचेंजेबिलिटी रेफर्स टू द इंटरचेंजेबल पार्ट्स. मशीन डिजाइन में विनिमयशीलता जो होती है विनिमय भागों को संदर्भित करता है. इंटरचेंजेबल पार्ट्स आर वन दैट इज मेड टू नियरली आइडेंटिकल सो दैट इट कैन सक्सेसफुली सब्स्टिट्यूट द सिमिलर पार्ट्स एंड फिट इनटू असेंबली ऑफ द सेम टाइप. विनिमय भाग वे होते हैं जिन्हें लगभग समान बनाया जाता है ताकि ये समान भागों को सफलतापूर्वक स्थानापन्न कर सकें और उसी प्रकार के संयोजन में फिट हो सकें. इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जब भी हम नट बोल्ट लगाते हैं वो समान होते हैं, हम उसको ये देख के नहीं लगाते कि ये एक जगह लगेगा या बाई जगह लगेगा या जेड जगह, चूँकि सभी एक समान है तो कोई सा भी किसी जगह पर लग जाता है. तो जो बोल्ट आप नट बोल्ट जो आप असेंबली के समय यूज़ कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर जगह पर, सपोज हम ले हमारे सिलेंडर हेड के लिए हम कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो सब क्या है, इंटरचेंजेबल है. लाइक दिस, सच रेंडमली सिलेक्टेड कंपोनेंट्स कैन रिप्लेस अनदर विदाउट एनी कस्टम फिटिंग. ऐसे बेतरतीब ढंग से चुन रहे हैं हम, रेंडमली चुन रहे हैं घटक, बिना किसी कस्टम फिटिंग के एक दूसरे को बदल सकते हैं, यानी एक की जगह दूसरा आप लगा सकते हैं. या आपकी जो व्हीकल है जब उसका एक्सीडेंट होता है, कोई सा पार्ट उसका हमें रिप्लेस करना होता है, तो वही का वही हमको मिल जाता है, हम उसको इंटरचेंज करते हैं, पूरी कार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो पार्ट डैमेज है सिर्फ उसी को, ये होता है इंटरचेंजेबल. और ये क्यों से होता है, स्टैंडर्डाइजेशन के कारण. आइए हम इसमें और पढ़ें. द कंसेप्ट ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी इंट्रोड्यूस इनटू मास प्रोडक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी. विनिमयशीलता की अवधारणा 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बड़े पैमाने पर उत्पादन में पेश की गई. तो फर्स्ट टाइम इंटरचेंजेबिलिटी जो लाई गई वो मास प्रोडक्शन के लिए लाई गई थी. इन मास प्रोडक्शन मेंटेनिंग साइज ऑफ कंपोनेंट विद इन अ क्लोज डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग. तो जब हम बड़े पैमाने पर कोई उत्पादन करते हैं तो उसमें पर्टिकुलर साइज को एक क्लोज डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के समय बनाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसका रीजन क्या होता है, द रीजन फॉर दिस इनएक्यूरेसी में भी ड्यू टू एरर्स इन मेजरिंग, पुअर अलाइनमेंट ऑफ वर्कपीस, मशीनिंग एरर, एरर ड्यू टू टूल बियर.
तो इसे शब्दिक कारण क्या होता है? मापने में त्रुटि हो, कार्यखंड का खराब संरेखण, मशीनिंग त्रुटि हो, उपकरण घिसाव आदि कारण त्रुटि हो सकती है। इन कारणों से हमको जो है इसको क्लोज डिग्री ऑफ एक्यूरेसी या सटीकता के करीब डिग्री के भीतर बनाना टाइम कंज्यूमिंग होता है, महंगा होता है, इसलिए हम वहाँ पर इंटरचेंजेबिलिटी कॉन्सेप्ट को लाए मास प्रोडक्शन में। हैंस इन मास प्रोडक्शन इट इज अलाउड टू द कंपोनेंट्स हैव सम वेरिएशन इन इट्स डायमेंशन विद इन अ सर्टेन लिमिट। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ मास प्रोडक्शन में कि बड़े पैमानों पर घटकों को एक निश्चित सीमा के भीतर इसके आयाम में कुछ भिन्नता की अनुमति है। इस लाइन को वेरिएशन इन डायमेंशन को हम हमारी नेक्स्ट क्लासेस लिमिट फिट टॉलरेंस जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम कितना वेरिएशन रख सकते हैं और वो किस प्रकार से रखा जाता है। अब विनिमयशीलता या एडवांटेजेस ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी क्या है? प्रिसाइज डायमेंशन इज नॉट एसेंशियल। जैसे 50 mm है तो 50 की जरूरत नहीं है, आप 49.88 या 50.12 इस तरह का भी ले सकते हैं। प्रोड्यूस कंपोनेंट विद इन स्मॉल डायमेंशन एरर लिमिट। सटीक आयाम आवश्यक नहीं है, छोटा आयाम त्रुटि सीमा के भीतर घटक का उत्पादन करें। इसलिए हमने एक टर्म यूज़ करी थी यहाँ पर, यदि आप देखें कि इसमें विनिमय भाग भी होते हैं जिन्हें लगभग समान बनाया जाता है, एग्जैक्ट नहीं बनाया जाता। इंटरचेंजेबल पार्ट्स आर वन दैट इज मेड टू नियरली आइडेंटिकल। तो वेरिएशन रख लिया। वेरिएशन कारण क्या हुआ कि मास प्रोडक्शन में हमें चिंता नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना। अब चूंकि ये तो हमने इसमें दे दिया है कि छोटी त्रुटि हम ले सकते हैं, एरर डायमेंशन एरर लिमिट में रह सकते हैं, तो ये इकोनॉमिक ओरिएंटेड हो गया, आर्थिक उन्मुख हो गया। इट अलाउज मास प्रोडक्शन, रिड्यूस द प्रोडक्शन कास्ट, और इसके कारण हम बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकते हैं कम लागत में। मेटिंग पार्ट्स कैन फ्रीली रिप्लेस विदाउट कस्टम फिटिंग लाइक फिलेट्स। मेटिंग पार्ट्स बिना कस्टम फिटिंग जैसे फिलेट्स जो होते हैं उसके स्वतंत्र रूप में हम बदल सकते हैं। जैसे हमको कोई सी भी ट्यूबलाइट ला करके एक फिक्चर लगा हुआ है, हम लाते हैं उसको फिट कर देते हैं, तो उसमें कोई ऐसा एग्जैक्ट साइज वगैरह कुछ नहीं चाहिए। रेडिली अवेलेबल रिप्लेसमेंट कंपोनेंट इन द मार्केट, बाजार में आसानी से अपने को उनके रिप्लेसमेंट मिल जाते हैं। जैसे आपको गैस्केट चाहिए सिलेंडर हेड में, जब आप डिसेंबल करते हैं सिलेंडर हेड को खोलते हैं बाल्ब चेकिंग वगैरह के लिए, तो आपको गैस्केट रिप्लेस करना होती तो रिप्लेस आसानी से उपलब्ध है। असेंबली प्रोसेस रिक्वायर्स लेसर स्किल। अब चूंकि इसमें ये दिमाग लगाना नहीं है कौन सा नट कहाँ लगाना है, इसलिए असेंबली को आप किसी को भी बोल सकते हैं, लगाते जाओ। रिड्यूस कास्ट एंड लेबर टाइम बाय अलाउइंग इजी मेंटेनेंस, इजी फील्ड रिपेयर। आसान रखरखाव की अनुमति देकर लागत और श्रम समय कम होता है और आसान क्षेत्र की मरम्मत होती है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरचेंजेबिलिटी आई कहाँ से? उसके लिए हमको क्या करना पड़ा? स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ा कि जिससे कि बोल्ट की साइज है तो वो यही रहेगी और सभी जगह रहेगी, और जब हम असेंबली में लेते हैं तो वही साइज के बोल्ट होते हैं। तो ये कहलाता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में जाने, द पैरामीटर्स ऑफ मशीन एलिमेंट्स आर स्टैंडर्डाइज फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, फर्दर इम्प्रूवमेंट ऑफ मशीन एलिमेंट्स, इजी रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट्स एंड फॉर क्विक एंड इजी मैन्युफैक्चरिंग। सामग्री की आसान पहचान, मशीन तत्वों में और सुधार, खराब हो चुके पुर्जों के आसान प्रतिस्थापन, और त्वरित और आसान निर्माण के लिए मशीन तत्वों के मापदंडों को मानकीकृत किया गया है। कठिन भाषा लग रही है, मापदंडों को मानकीकृत। यदि हम देखें बाजार में बोल्ट लेने जाना होता है तो हम उसको बोलते हैं 3x 1/2 inch का दे दो, 10 mm का बोल्ट दे दो, तो 10 mm के बोल्ट को वो बता देता है कि आपको थ्रेड फिक्स है, उसके स्टैंडर्ड है कि 10 mm में ये वाले थ्रेड्स होंगे। तो वो आपको पर्पज़ के ऊपर डिपेंड है, जनरल पर्पज के लिए अलग थ्रेड्स होंगे, उसके लिए अलग होंगे, वो थ्रेड और उनका कॉम्बिनेशन अलग है। लेकिन आप 10 mm का मांगेंगे आपको बिल्कुल वही मिलेगा और वो आकर के आप लगा सकते हैं। तो ये 10 mm बोल्ट के जो स्टैंडर्ड के इसमें थ्रेड्स क्या रहेगा, इसका हेड क्या रहेगा, ये स्टैंडर्डाइज किया गया है। इन डिजाइन द एम इज टू यूज एज मैनी स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स एज पॉसिबल फॉर अ गिवन मैकेनिज्म। डिजाइन के मानकीकरण का उद्देश्य किसी दिए गए तंत्र के लिए जितना संभव हो सके मानक घटकों का उपयोग करना है। इसलिए सपोज हम जब कैलकुलेशन करेंगे, शाफ्ट की डायमेंशन आई हमारी से 48.7, लेकिन हमको मार्केट में अब उस शाफ्ट की साइज बनाएंगे हम तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, तो इसलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, उसको स्टैंडर्ड साइज जो अवेलेबल है 50 mm वो हम ले लेंगे, तो 50 mm सेफ होगी। तो स्टैंडर्ड कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं जब भी कोई।
सो अब स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें हम, तो स्टैंडर्डाइजेशन इज डिफाइंड एज ऑब्लिगेटरी नॉर्म्स और स्टैंडर्ड टू विच वेरियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट शुड कन्फर्म। यानी मानकीकरण को हम परिभाषित करें तो अनिवार्य मानदंडों, यानी कि बोल्ड केस में क्या हो गया, उसका हेड है, उसका डायमीटर है, उसके थ्रेड है, या मानकों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके लिए किसी उत्पाद की विभिन्न विशेषताओं के अनुरूप होना चाहिए। सारे के सारे जो होना चाहिए वो एक जैसे होना चाहिए। अब इसमें कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, अभी मैंने एग्जाम्पल तो आपको केवल एक उसका लिया बोल्ट का। द करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड मटेरियल, डायमेंशंस, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मेथड ऑफ टेस्टिंग, मेथड ऑफ मार्किंग, पैकिंग एंड स्टोरिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो इन विशेषताओं में जिनके लिए हम विभिन्न विशेषताओं का अनुरूप होना चाहिए, विशेषताएँ क्या क्या हो सकती हैं, उत्पाद की सामग्री, बोल्ट है माइल्ड स्टील का, वो चाहिए आपको तो माइल्ड स्टील होगा, आयाम और गुणवत्ता, डायमेंशन उसकी और क्वालिटी जो है वो सेम है एमएस की है, उसको जो टेस्टिंग वगैरह की गई है और उसका मेथड ऑफ मार्किंग है, टेस्टिंग है, बिल्कुल आइडेंटिकल है आप देखेंगे, उसको पैकिंग भी सेम आती है और स्टोरेज भी वही रहता है। स्टैंडर्डाइजेशन बिकम्स अ ग्लोबल एक्टिविटी टू कवर ऑल इकोनॉमिकल, टेक्निकल एंड मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। इंजीनियरिंग उत्पादों के सभी किफ़ायती तकनीकी और भौतिक पहलुओं को कवर करने के लिए मानकीकरण एक वैश्विक गतिविधि बन गया है। द वर्क ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इज अकम्पलिश्ड बाय नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है वो मानकीकरण जो है या स्टैंडर्डाइजेशन है उसका कार्य राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा संपन्न किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इज टू मेक द मास प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इजियर। मानकीकरण का जो उद्देश्य है वो घटकों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को आसान बनाना है। तो अभी हमने ये बात की कि स्टैंडर्डाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, आइए हम उसके बारे में जाने आगे है। अभी अपन इसको यहीं पढ़ लेते हैं, इसको इश्यू कंटिन्यू करते हैं। इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट पॉसिबल ड्यू टू स्टैंडर्ड्स। अभी हमने जो इंटरचेंजेबिलिटी या विनिमेयता पढ़ी थी वो क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हम मानकों के कारण, घटकों की जो मानक स्टैंडर्डाइजेशन है उसके कारण ही ये पॉसिबल है। रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ मशीन सिंपल, बिकॉज द बर्नआउट और डैमेज पार्ट्स कैन बी इजीली रिप्लेस्ड बाय स्टैंडर्ड वन। मशीनों की मरम्मत और रखरखाव सरल है क्योंकि खराब हो चुके क्षतिग्रस्त भागों को मानक वाले भागों से आसानी से बदला जा सकता है। इससे कारण क्या होता है, इट एम्स एट रिडक्शन ऑफ डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंटरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट एज वेल एज द एफर्ट्स टू अचीव यूनिफॉर्मिटी, इफिशियंसी एंड स्पेसिफाइड क्वालिटी। तो इसका उद्देश्य क्या हो गया, डिजाइन निर्माण इन्वेंटरी और हैंडलिंग लागत के साथ साथ एक रूपता, दक्षता और एक निर्दिष्ट गुणवत्ता प्राप्त करने के प्रयासों को कम किया जाता है। इससे कास्ट हमारी जो है वो कम होती है, उपलब्धता बढ़ती है। तभी हमने जो बात की थी कि स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल बनते हैं, तो यूजली यहाँ पर जो है थ्री टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स का उपयोग किया जाता है हमारे डिजाइन में। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के द्वारा जो बनाए गए हैं वो, या नेशनल स्टैंडर्ड्स सच एज IS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, DIN, डच इंटरनेशनल नंबर जर्मन में होता है, अमेरिकन में होता है AISI और SAE, USA में, UK में होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स, JIS, जापानीज स्टैंडर्ड्स। तो ये नेशनल लेवल पर है। और यदि कोई आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी कार जो है जो बन रही है वो सभी जगह पर सेम है, तो उसमें कौन सा स्टैंडर्ड लगाएंगे आप, ISO। लेकिन जिसकी खपत आपके इंडिया में ही है वहाँ पर कौन सी यूज़ कर सकते हैं आप, नेशनल। जैसे जापानी है, जापानीज करेंगे, ब्रिटिश है। आज भी थ्रेड्स के मामले में हमारे यहाँ पर दो तरह के थ्रेड्स यूज होते हैं, एक होते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स थ्रेड BS थ्रेड्स, और एक होते हैं इंडियन स्टैंडर्ड्स वाले या मीट्रिक थ्रेड्स यूज़ होते हैं। तो यदि हमको ग्लोबली करना है तो हमको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन पर ही जाना होता है, जो कि आजकल हो रहा है। लेकिन ये होता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर भी ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल पर भी है, तीसरा हो रहा है कंपनी के स्तर पर भी है। कंपनी स्टैंडर्ड्स फॉर यूज इन अ पर्टिकुलर कंपनी और अ ग्रुप ऑफ सिस्टम कंसर्न लाइक एयरक्राफ्ट एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स विद देयर ऑन स्टैंडर्ड विदाउट अडॉप्टिंग द जनरल स्टैंडर्ड पार्ट्स। दिस टाइप ऑफ इंडिविजुअल प्लांट स्टैंडर्डाइजेशन नॉन एज नॉर्मलाइजेशन। अब जैसे एयरक्राफ्ट है या अपना पानी का जहाज है, इनमें जो कंपनियां होती हैं जो पार्ट यूज करती हैं वो स्टैंडर्ड की बजाय खुद बनाते हैं, क्योंकि इनको स्टैंडर्ड से बात नहीं बनती है,
इसलिए इस प्रकार के व्यक्तिगत संयंत्र मानकीकरण को सामान्यीकरण के रूप में जाना जाता है। तो तीन प्रकार के स्टैंडर्ड्स यूजली होते हैं। हम देखें कि मैकेनिकल डिजाइन स्टैंडर्ड्स कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन में निम्नलिखित मानकों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से? मटेरियल, केमिकल कंपोजिशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, हीट ट्रीटमेंट। तो इनके लिए जो होता है ये सब स्टैंडर्ड है। कौन सा मटेरियल होगा किसी का, केमिकल कंपोजिशन क्या होगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, या हीट ट्रीटमेंट क्या होगा। शेप्स एंड डायमेंशन ऑफ कॉमनली यूज्ड मशीन एलिमेंट्स सच एज बोल्ट, स्क्रू, नट, रिबेट, बेल्ट, चैन, बियरिंग, वायर रोप, की, गियर्स। ये मैं बोल्ट का एग्जांपल बहुत ले रहा था आपके, स्क्रू का। ये जो भी हमारे ये कॉमनली यूज्ड मशीन एलिमेंट कहलाते हैं, इनका शेप और डायमेंशन, आकार और आयाम, ये सब स्टैंडर्डाइज्ड है। तीसरे नंबर पर फिट टॉलरेंस एंड सरफेस फिनिश। हम नेक्स्ट क्लास में फिट टॉलरेंस को लेने वाले हैं, तो वो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जो फिट्स हैं, टॉलरेंसेज हैं और सरफेस फिनिश है, उसके लिए स्टैंडर्ड मानक्स हैं। टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे प्रेशर वेसल है, बॉयलर है, ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन्स हैं, इन सब की टेस्टिंग भी स्टैंडर्डाइज्ड है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑफ कंपोनेंट जो है उसके लिए भी स्टैंडर्ड्स हैं। तो इस प्रकार से हमने आज की इस क्लास में इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में जाना, स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में जाना। अब हम इसमें बड़ी आसानी से इंटरचेंजेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, विनिमयशीलता या परिवर्तनीयता को परिभाषित वर्णन कर सकते हैं, और स्टैंडर्डाइजेशन पर आप नोट लिख सकते हैं इसमें जहाँ तक हम कर चुके हैं। तो मशीन डिजाइन में भी मिल जाएगा आपको किसी भी बुक में, शिंगले की हो, पंडित शाह की हो, आरएस खुरमी की हो, या दीपक प्रकाशन की हो। तो इस तरीके से हमने इस भाग में विनिमयशीलता, परिवर्तनीयता, इंटरचेंजेबिलिटी या मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन दोनों को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास जैसा मैं बोल रहा था, लिमिट फिट्स टॉलरेंस और लीगल एस्पेक्ट ऑफ ऑटोमोबाइल डिजाइन, इन दो के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और वहाँ जा कर के हमारा जो CO1 का LO1 है वो कम्प्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।